आइए अब एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट यानी 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है, उसके जीरोस फाइंड करना है और फिर जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको वेरीफाई करना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है हम उसको कलेक्ट करते हैं, ये है 3x² - x - 4। और अब इस पॉलिनोमियल के हम फैक्टर करेंगे बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये होगा माइनस, मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करेंगे, -4x + 3x। और फर्स्ट टर्म यहाँ पे गिवन है 3x² एंड कॉन्स्टेंट टर्म है -4। और अब हम फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो ये होगा 3 बचेगा ब्रैकेट में 3x - 4, और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो ये होगा 3x - 4। फाइनली जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 3x - 4 × x + 1। और अब इस पॉलिनोमियल px के जीरोस फाइंड करने के लिए हम इन फैक्टर्स को यानी px को 0 के इक्वल रखेंगे और px की वैल्यू है 3x - 4 × x + 1। फाइनली जब इस ब्रैकेट को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4/3, और जब इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1। और अब हम जीरोस एंड कोफिशिएंट्स में जो रिलेशनशिप होती है उसको वेरीफाई करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ जीरोस होगा 4/3 + -1। इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/3। और अब हम इस रिलेशनशिप को, ये है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नेगेटिव एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इस पॉलिनोमियल में जो x का कोफिशिएंट है वो है -1 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, ये भी होगा 1/3। आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे जो कि होगा 4/3 × -1, यानी ये होगा -4/3। और अब हम इस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, कांस्टेंट टर्म है -4 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 3। आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हेंस बोथ द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। थैंक यू।